हाँ, तो जैसे कि हम आज आपको बताने जा रहे हैं मानव हृदय की बाह्य एवं आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना। तो मनुष्य का हृदय चूंकि चार बेसमी होता है, इसके पहले हम आपको ये जानकारी दे चुके हैं कि मछली का हृदय जो होता है वो द्विबेसमी, मेंढक का हृदय जो होता है वो त्रिबेसमी, और मनुष्य का हृदय जो होता है वो चार बेसमी होता है। इसमें मनुष्य का हृदय जो होता है हमारी बक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य भाग से थोड़ा बाईं तरफ हटकर के बंधी हुई मुट्ठी के आकार की ये संरचना होती है। इस संरचना को बाहर से अगर हम देखें तो इसके बेस में स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमें ये बेस में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये मनुष्य का हृदय बक्ष गुहा में मध्य भाग से थोड़ा बाईं तरफ हट करके दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। इसके चारों ओर ये दोहरी दीवार की एक झिल्ली होती है जिसे हम हृदयावरण झिल्ली कहते हैं। ये हृदयावरण झिल्ली जो है चारों तरफ से हृदय को ढके रहती है। इसके मध्य में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हृदयक द्रव कहते हैं। हृदयक द्रव ये बाहरी आघातों से इस हृदय की रक्षा करता है। इसमें आपको जो नीचे ये दो संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये पश्च महाधमनी है जो हृदय के बाएं निलय से रक्त को शरीर के निचले हिस्सों को रक्त ले जाती है, और ये नीचे जो पश्च महासिरा है जो अशुद्ध रुधिर को शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को लाती है। ऊपर आप देखें ये दो संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये पश्च महासिरा है और ये अग्र महासिरा है। ये दोनों आकर के दाएं आलिंद में खुलती हैं। ये दाएं आलिंद है, दाएं आलिंद में खुलती हैं और अग्र तथा पश्च भाग से शरीर के अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाती हैं, और ये रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय से होता हुआ ये संरचना जो आपको यहाँ से ये दिखाई दे रही है, ये दोनों फेफड़ों को रक्त ले जाती, अशुद्ध रक्त दोनों फेफड़ों में, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। दोनों फेफड़ों में ये रक्त पहुँच करके इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन इसमें सम्मिलित हो जाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त ये दो भाग आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये पल्मोनरी सिरा है, दोनों फेफड़ों से दो भाग आते हैं। ये पल्मोनरी सिरा इन दोनों भागों द्वारा बाएं आलिंद में खुलती है, शुद्ध रक्त को लाती है। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में, और बाएं निलय से इस महाधमनी द्वारा, ये अग्र महाधमनी है और ये पश्च महाधमनी है, रक्त को ये संपूर्ण शरीर में पहुँचाती है। इस प्रकार से हमारा हृदय जो है बंधी हुई मुट्ठी के आकार की संरचना बक्ष गुहा में स्थित होती है। तो ये थी आपकी हृदय की बाह्य संरचना। इस प्रकार से ये रक्त जो होता है, जब रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन रक्त में जो आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, जो फेफड़ों से फिर कोशिकाओं को जाएगा। कोशिकाओं से ये रक्त कोशिकाओं में पहुंचेगा और ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन ये जो है भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में काम आएगी। हीमोग्लोबिन फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और फिर आके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ों में आएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी और हीमोग्लोबिन फिर से ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के शरीर के विभिन्न भागों को भेज देगा। अब इसको बताना है, इधर दिखाई दे रहा है, देखिए ये दूसरा चित्र आप जो देख रहे हैं, ये हृदय की
आंतरिक संरचना है। इस आंतरिक संरचना में हम हृदय की अनुलंब काट बाने उसको सीधा खड़ा काट के उसका अध्ययन करते हैं। जब हम इसको खड़ा काट के उसका अध्ययन करते हैं तो ये संरचनाएं आप देखिए ऊपर जो दिखाई दे रही हैं, ये दोनों संरचनाएं आलिंद हैं। इसको हम दाया आलिंद और इसको बाया आलिंद कहते हैं। संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर इसी दाएं आलिंद में आता है। इसके नीचे आप ये दो संरचनाएं जो देख रहे हैं, ये दाया निलय और ये बाया निलय है। इधर देखो आलिंद और निलय के बीच ये कि ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये इधर से ये, इसको कहते हैं हम त्रिवलन कपाट या त्रिपट कपाट। ये कपाट तीन गेटों का होता है जो रक्त को केवल इस दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाने देता है। दाएं निलय से ये रक्त इस फुफ्फुस धमनी द्वारा दोनों फेफड़ों को जाता है। तो ये दायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये मध्य भाग से आप इधर देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा, इस हिस्से में अशुद्ध रक्त होता है जो संपूर्ण शरीर से आता है वो ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों को जाता है इस पल्मोनरी धमनी द्वारा। शुद्ध रक्त फेफड़ों से वापस आता है, ये पल्मोनरी सिरा है, दोनों फेफड़ों से, ये दो हिस्से दिखाई दे रहे, ये दोनों फेफड़ों से पल्मोनरी सिरा द्वारा इस बाएं आलिंद में रक्त आएगा। बाएं आलिंद में रक्त भरता है और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से ये महाधमनी द्वारा रक्त ऊपर को जाता है और अग्र तथा पश्चिम महाधमनी द्वारा शरीर के ऊपरी और पश्चिम महाभागों को पहुंचता है। इसमें भी देखो एक ये कपाट होता है, इसको हम द्विपट कपाट या द्विवलन कपाट कहते हैं। ये रक्त को केवल इस बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने देता है, वापिस नहीं होने देता। बाएं निलय से ये रक्त इस महाधमनी से जाता है, फुफ्फुस धमनी और महाधमनी में ये संरचनाएं दो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं हम अर्धचंद्राकार कपाट। ये अर्धचंद्राकार कपाट जो है रक्त को ऊपर को तो जाने देते हैं परंतु वापिस नीचे को नहीं आने देते हैं। इस प्रकार से हृदय के आधे भाग में अशुद्ध रक्त और आधे भाग में शुद्ध रक्त बहता है। इस प्रकार से जब हम अनुलंब काट का अध्ययन करते हैं तो दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये त्रिवलन कपाट, द्विवलन कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट, ये संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। चूंकि ये दीवारें हृदय की मोटी होती हैं, अनुप्रस्थ काट में या आंतरिक संरचना में इसकी दीवारें मोटी स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें हृदय का अनुशिथलन और प्रकुंचन होता है। अनुशिथलन माने जब हृदय में रक्त आता है तो हृदय फैलता है और जब रक्त शरीर को या फेफड़ों को जाता है तो उस समय इसमें दबाव उत्पन्न होता है जिसको हम प्रकुंचन कहते हैं। इस प्रकार से ये रक्त हृदय में जब भरता है दोनों आलिंदों में एक साथ भरेगा, उस समय दोनों आलिंद फूलेंगे और जबकि उसी स्थिति में दोनों निलय में प्रकुंचन होगा, ये दबेंगे, दबाव इनमें उत्पन्न होगा जिससे रक्त दोनों फेफड़ों या शरीर को चला जाएगा और जब इनमें प्रकुंचन होगा उस समय दोनों निलय में अनुशिथलन होगा, अर्थात ये इनमें दबाव उत्पन्न होगा तो ये पिचकेंगे, इनसे रक्त जो है दोनों निलय में पहुंच जाएगा। निलय उस समय अनुशिथलन की स्थिति में होंगे, ये दोनों प्रकुंचन की स्थिति में होंगे। इस प्रकार से ये आंतरिक संरचना आपको दिखाई देती है हृदय की, स्पष्ट आप सब भाग दिखाई दे सकता है। अब आगे एक चीज और आपको इसमें जानना है, वो है दोहरा रुधिर परिसंचरण। इधर आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देखिए, शॉर्टली रफली हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। इसमें ये तो अलग संरचना है, ये चित्र आप जो देख रहे हैं, जैसे इस हिस्से में हमने आपको यहां बताया था, उधर देखो ये शरीर है बॉडी, इस शरीर से अशुद्ध रक्त आ रहा है इस महासिरा के द्वारा दाएं आलिंद में,
हृदय बीच में से दो भागों में स्पष्ट बटा हुआ है। आधे भाग में ये अशुद्ध रक्त बहता है। एक बार अशुद्ध रक्त हृदय में दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में गया और दाएं निलय से फिर फेफड़ों में चला गया। एक बार आया और एक बार गया। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में मुक्त हो गई, ऑक्सीजन यहाँ से ग्रहण की गई और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर इधर से हृदय के दूसरे आधे भाग में बाएं साइड के हिस्से में आया। बाएं आलिंद में आया शुद्ध रक्त, बाएं आलिंद से बाएं निलय में गया और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा ये फिर बॉडी को चला गया। इस प्रकार से हृदय में रक्त दो बार आता है और दो बार जाता है। इस क्रिया को हम दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। एक बार अशुद्ध रक्त हृदय में आता है और फेफड़ों को चला जाता है और दूसरी बार फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं भाग में आता है और फिर संपूर्ण शरीर को चला जाता है। इस प्रकार से दोहरे रुधिर परिसंचरण में ये हृदय की एक विशेषता है कि दोनों दाएं और बाएं भाग मध्य से अलग अलग होते हैं और शुद्ध और अशुद्ध रक्त ये आपस में एक दूसरे से मिलता नहीं है और संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त जाता है और फेफड़ों को शुद्ध होने के लिए अशुद्ध रक्त जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। धन्यवाद। आगे अगले दिन।